ये बात ये बात कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो गाइस ये है हमारा फैमिली फोटो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कृष्ण एंड आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। गाइस फिलहाल मैं हूँ हेमकुंड डिजिटल कलर लैब पे, बिकॉज आज हमारे मॉम डैड की 27th एनिवर्सरी, उसके लिए हम फेम होने आए हैं। हमारी वेडिंग उनका शूट हुआ था, बड़ी प्यारी फोटो आई थी उनकी। मैं सोचा था 9 मार्च को उनकी जो है एनिवर्सरी आने वाली है, तो मैं उन्हें वो फ्रेम दूंगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं। और गाइस ये है इनकी कलर लैब। मैं रक्षाबंधन पे दीदी के लिए भी लेकर यहाँ से ले गया था लास्ट ईयर। और गाइस पापा जगह रेडी हो रहा है, वो भी रेडी हो चुका है। फिलहाल ही हमने बनवाली अपनी शादी का एक, ये देखते हैं आप। ये शूट हुआ था जी। ये देखिए गाइस ये हमारा फ्रेम है। बाकी मम्मी डैडी का भी आएगा, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। ओके, बाकी यहाँ पे तो वही पिलो वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। पिलो पे फोटो, मक पे फोटो, हर चीज़ आपको फोटो मिल जाएगी। ठीक है। और गाइस यहाँ पे हमें आपको काफ़ी देर हो चुकी है, हम काफ़ी देर से यहाँ पे मतलब हैं। लेकिन ये बात है हैंड टू हैंड ये रेडी करके दे देते हैं, बिकॉज मैं टेंशन हो रही थी कि आज मॉम डैड की एनिवर्सरी है, आज ही हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो वही हमारे मम्मी डैडी का फोटो। ये हमारी वेडिंग वाले दिन 14 फरवरी को शूट हुआ था उनका, तो ये फोटो बड़ी सुंदर आई थी। तो मैं सोचा था जब इनकी एनिवर्सरी होगी मम डैड की, तो मैं उन्हें दूंगा ये गिफ्ट फोटो फ्रेम। ये एल वाले फोटो फ्रेम है, ये भी जैसे बोया बिल्कुल सेम साइज, सबको सेम है इसमें। ठीक है, बाकी जब वीडियो आपको दूंगा मैं। सुबह ये हमारी मम्मी डैडी का बन चुका है, ये बहुत सुंदर लग रहा फोटो वाला भी। इधर फूल सब है ना, बुकी वगैरह इतना प्यारा लग रहा है। पीछे वाला लीड लगा रहा था। ठीक है, बहुत okay, बढ़िया। ये पीछे वाला भी लगा दे रहा हूं। अच्छा लाइट जल गई वाली लगा दो। अभी ये पीछे वाला जाते हैं। अच्छा भी सीधा वो लाइट जल गई पीछे वाली है ना। हां ऐसे लग रहा है ना अंकल जी, पीछे जो पीछे जो बिलर लाइट है वो भी जली हूं। हां गाइस एग्जैक्ट नहीं कर रहा गाइस, हमारे दो फोटो तो रेडी हो चुके हैं, दो फ्री फोटो हैं। बाकी एक हमने फैन फोटो के लिए एक ही बनवाया हमने, अभी देखो फैन फोटो हमारी एक और है जो हमारी वेडिंग वाली हुई थी ना उसी दिन की। मैं कहा बना रहे हैं सच्चा, आज बनवा लो। और गाइस ये आ चुके हैं फैमिली फोटो, देख सकते हैं आप। ये बताइए कैसी लग रही है, बाकी अभी पूरी रेडी हो जाएगी। ये हमने LED लाइट नहीं लगाई, हमने नॉर्मल करवाई इसी से वाली मिरर वाली। हाँ और इसमें कलर भी काफ़ी प्यारे आ रहे हैं, दो उसमें LED के हिसाब से कलर थे, इसमें बहुत डार्क कलर है, इसमें बड़े कलर आ रहे हैं। ये बहुत महंगी, ये थोड़ी कम एक्सपेंसिव, ये LED वाली बहुत एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव आती है। हमारा क्या साइज वाला है, जो साइज बनाया हमें वाला 36 इंच 2x3 फुट। अच्छा ये 24x36 है। और ये क्या साइज है, 20x30 इंच। हाँ धूल का बड़ा, इसमें धूल नहीं आती, ये भी सड़ जाएगा। ये फिल्म ऑलमोस्ट हो चुका है, आपको ये दिखाऊंगा, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये लगाने के लिए लगेंगे, वो भी बहुत भी लगाएंगे अभी, इसमें दो लगेंगे इसमें तो। हाँ ठीक है, बाकी देखो इन पे काफ़ी सारे मतलब हैं आपके। और गाइस जो आपको मेरा दिखाई दे रहा है ना इसमें, यहाँ पे इसके अंदर आपकी फोटो लग जाएगी, जब लाइट जाएंगे आपको इनकी फोटो दिखाई देगी। और ये 500 का बड़ा है, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिक चीज़ लगी। बाकी मक पे 250 रुपीज़ का आपको मक्के के भी फोटो रख सकते हैं, और मैक्सिमम 3 फोटो रख सकते हैं इसमें मक पे आप 250 रुपीज़ में। मक भी सबको इनका होगा। और मैं पिलो के रेट के पिलो जो है 350 से स्टार्ट है। अच्छा और 600, 700, अच्छा और मैक्सिमम कितने फोटो लग सकते हैं इनपे? इसमें एक ही फोटो लगता है, एक ही फोटो लगता है इस पे। हाँ। ये अच्छी चीज है वैसे, कपड़े का वो फैमिली का बढ़िया चीज है। बिकॉज़ मैं जो भी ऐसी फैमिली फोटो मैं देखो कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। मतलब ये बहुत ज्यादा, ये LED वाले बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव उससे, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, एकदम अच्छी क्वालिटी लग रही है, मस्त। लेकिन इसकी लाइफ टाइम ज्यादा, हाँ ये लाइफ ज्यादा है इसकी। सो गाइस हमारे जो है तीनों फ्रेम हो चुके हैं रेडी, जब लेके चलते हैं काफ़ी लेट हो चुके हैं। 3 o'clock हो रहा है, हम लगभग आए थे यहाँ पे 12:30 बजे, 2.5 घंटे लगे हमें, थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके चलो यहाँ से चलते हैं ज़रा, बाकी मॉम डैड के रिएक्शन देते हैं। क्या कह रहा है, ये बढ़िया रहा सामने। हाँ क्योंकि हम पापा जी के जो बर्थडे था हम उस पर आए थे, रात के 10 बजे भाई, पूरे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि इन सब चीज़ में बहुत टाइम लगता है। अगर आप हैंड टू हैंड दे रहे हो तो
अगर आप ऑर्डर चले जाओ तो इतना टाइम लगता, मतलब टाइम लगता है, मतलब तुम आपको फील नहीं होता टाइम, आप जाओगे आराम से अपना कुछ काम करो फिर आगे ले जाओ उठा के यहाँ से। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर रुको तो बहुत टाइम लगता है, टाइम निकल गया यहाँ पर, इन टाइम लगता है भाई। एक फ्रेम में घर से ले आया था, घर से इन द सेंस कि हमारे ये बेडिंग में लगे थे, जो हमारे कैमरे वाले थे उन्होंने फ्रेम लगाए थे, फोटो फ्रेम में LED उसमें फ्रेम में। और इसमें प्रॉब्लम ये हुई, ये मैंने 3 फोटो लगाए थे शादी में अपनी, और इसमें सब पिनेशा किसने मार दिए, कैसे लग गए बच्चों में किसने मारे, जो एक पे यहाँ लगा एक में यहाँ लगा है, और 2 फ्रेम और हैं मेरे घर पे रखे हुए हैं, वो मैंने उनसे ले दिया भाई से, और तीनों पे निशान है, पता नहीं कैसे कैसे लग गए। अगर इसके पीछे डार्क बैकग्राउंड है ना लाइट से, ये देखो लिखा कृष्णा भावना, ये न्यू जैम में मूवी, वो न्यू जैम में प्रोडक्शन, मूवी प्रोडक्शन, ठीक है। अगर ये नहीं लगे निशान लगे होते तो मैं ये फ्रेम करा देता, वो इसकी प्रिंटिंग 1200 रुपये प्रिंटिंग हो रखी है इसकी, इसका प्रिंट जो LED वाला प्रिंट है ना 1200 रुपये का है पूरा प्रिंट, लेकिन सब खराब हो गए भाई। ये जो LED फ्रेम है इसके एडोप्टर ले लिया हमने, चलो बाकी चलते हैं। चलो ये लोग इनका एड्रेस है, अपोजिट करेगा वेटरनरी हॉस्पिटल, कोल्ड रोड, मुरादाबाद, ठीक है, आप देख सकते हैं इनका एड्रेस, थोड़ा गली में आ गए इनका एड्रेस। सो गाइस हम आ चुके हैं घर, अब देखते हैं मम लड़के रिएक्शन कैसा होता है। तो गाइस हमारे बच्चों भैया अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एक फोटो की, बाकी मम्मी इधर आइए, आज मम्मी की एनिवर्सरी है, मिस 27 में या 28 में है, कौन सी 27 28 28 और 28 में है भाई, 28 मम्मी की एनिवर्सरी है। सो गाइस पापा जी सो रहे हैं, मम्मी का पूरा रिएक्शन लेते हैं। देखो मम्मी ये आपका एनिवर्सरी गिफ्ट कैसा लग रहा है? देखिए गाइस ये अच्छा लग रहा है। अभी करिए अनबॉक्सिंग, आप भी करेंगी? हाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा आपको भी? बहुत बढ़िया। जी मतलब एनिवर्सरी आपकी है और सबको सब सबके लिए गिफ्ट है, 5 के लिए गिफ्ट है। हाँ अभी अच्छी रहेगी, अभी तो अभी तो एक बहू आएगी हमारी, अभी अभी तो तब लगेगा, फिर फ्रेम बनेगा, फिर 6 लोगों बनेगा। हट जाए भाभी का कितना बेहतरीन है, बहुत बढ़िया भाभी का कोई बात नहीं, हटा दो दोनों सेम ही तो है, वीडियो दिखा देंगे, ब्लॉग देख लेंगे, ये बात उल्टी कर रहे हैं। मैनेजर साहब काम करो अपना परफेक्ट पूरा, मम्मी वाले रूम में कितने प्यारा लगेगा नीचे, ये भला लगेंगे जहाँ पर बोल रहा है ना, जैसे नहीं मम्मी वाले रूम में, ये देखो मम्मी, ये इधर आओ, इधर आइए, लाइट जगह कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जो बैकग्राउंड में है वो भी लाइट हो जाती है, ये अच्छा लग रहा है, हाँ पीछे भी लाइट लग रही है। सो गाइस फोटो में 28 ईयर्स लगे हैं, सो रहे हैं क्या? आपकी शादी फोटो नहीं आई होगी, मेरी शादी फोटो आ गई ऐसी, ये बात फोटो आई है, अरे 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 कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे लगा है सभी फोटो? बहुत सुंदर। सो ये देखिए तीनों फ्रेम हमारे कुछ लग रहे हैं, सो हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मम्मी को काफ़ी पसंद आए, अक्षय को काफ़ी पसंद आए, भावना जी को काफ़ी पसंद आए, पापा जी रिएक्शन लेते कैसे लग रहे हैं, बड़ी ऑफ काउंट कर देगी कैसे लग रहे हैं तीनों फ्रेम। सो भाई पापा जी जा गए सो रहे थे, पापा देखो कैसे लग रहा है, उधर लाइट जाओ जाके, एक मिनट जाओ तो लाइट जाओ जाके, ये इनॉग्रेशन ठीक है, सो रहा है, हाँ
ये कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। बर्थडे में ना तो गाइस हम ना बर्थडे पापा के लेके आए थे, थोड़ा छोटा रह गया था पापा, थोड़ा अच्छा लगा लेकिन छोटा था पापा, लगा छोटा है नहीं पापा लग रहा था। अब सबसे बेस्ट बड़ा है, इससे बड़ा कोई होता नहीं। हाँ मैं फोटो आई तो बताऊंगा एनिवर्सरी पे, फोटो कैसा लग रहा है फैमिली फोटो? ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा इसमें लाइट नहीं लगाई, ऐसे ही एक बैठा हुआ भी था आपका, उसमें कोट के बटन खुल लेते तो इसलिए करवाया, फिर लेकिन खड़ा हुआ करवाया। तो भाई पापा के पसंद आए तीनों, अच्छे लगे उन्हें भी, चलो बाकी देखते हैं क्या होता है रेट से। तो भाई सही में गया था मार्केट, ये एडवर्ट रखा हुआ है, एडवर्ट चेंज कर आया था मैं, पता क्या हो गया था इसमें। और ये हमारा जो है पार्सल आया, इसमें हमारा कुर्ता पजामा है, नीट पड़ेगी, देखते हैं कैसे कुर्ता पजामा ठीक है। बाकी थोड़ी देर में इलेक्ट्रिशियन बुलाया बिकॉज यहाँ ड्रिल मशीन आएगी, यहाँ पे थोड़ा होल्ड वगैरह होंगे, फिर हम ये फ्रेम टांगेंगे और दोनों फ्रेम टांगेंगे। खड़े चेरी पंडित जी कर तो अच्छा लगा वैसे, वैसे मेरे ना 40 आता है, मैंने 42 मंगाया बिकॉज अगर बड़ा हो तो फिटिंग तो हो जाएगी लेकिन छोटा हो तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो इसलिए बड़ा मंगाया था मैंने। सो ये देखिए ऐसा लग रहा है, ये कुर्ता पजामा बाकी फिटिंग से है, ये बस थोड़ा मैं लूज लग रहा है, मैं फिटिंग करा लूँगा यहाँ से, मैं तो ओवरऑल ठीक लग रहा है। नाइस। सो आई ड्रिल मशीन वाले आए नहीं, ऑलमोस्ट 7 o'clock हो चुके हैं। हाँ भाई मैं आपको दिखाना भूल गया, ये तो भैया मैं बनवाया था, ये मैंने हेमकुट से बनवाया था, आगे से बनवाया था, देखो बहुत प्यारा है इसमें, देखो इसमें नाम भी हम दोनों का और वॉच भी है, ठीक है। तो भाई वो तो आया नहीं, हम मुझे बाहर लगाना था उसके भी यहाँ पे वॉल पे, तो फिलहाल मैंने यहाँ रख दिया है, बाद में लगा देंगे ओके। और ये बाहर लगाना था तो फिलहाल ऐसे रख दिया है, और नीचे वाले नीचे लगा दें, नीचे दिखा दूँ आपको मैं, ये देखो मम्मी डी लगा दिया मैंने, अच्छा लग रहा है ना। फिलहाल मैं यहाँ पे ये ना यहाँ पे टांगेंगे डिफिन वाल करके, ड्रिल मशीन से बाद में होल करके, फिलहाल ऐसा लग रहा है ओके। सो भाई छोटी सी वीडियो करते हैं, मैंने ऐसी वीडियो बना दिया ठीक है, तो भाई इस वीडियो में करते हैं, आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग, जब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, ध्यान रखना, बाय बाय।